वेन वी हैव फ्रैक्शन, सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन, लेट्स से 2/5, 2/5, इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/5, टू पार्ट आउट ऑफ फाइव? नाउ इफ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू डेसिमल, कैन वी कन्वर्ट इंटू डेसिमल फॉर्म, यस और नो? हाउ विल कन्वर्ट, कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड, हाउ टू कन्वर्ट दिस 2/5 इंटू डेसिमल फॉर्म, प्लीज रेज योर हैंड. हाँ जी बताइए बेटा, सेक्शन 6C से प्लीज. योर वॉइस इज नॉट कमिंग बच्चे, बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग किसको किससे डिवाइड करना है बेटा? सर 2 को 5 से करना टू को फाइव से करना है या फाइव को टू से करना है बच्चे? हाँ जी, फाइव सर, 5 को 2 से. को टू से करना है. और अब पहले सोच लो बेटा, टू को फाइव से करना है या फाइव को टू से करना है? सर 5 को 2 से. फाइव को टू से. और कोई बच्चा? यस, सेक्शन ए और बी से कोई? हाँ जी बताइए बेटा, प्लीज कम. मैम के साथ जो स्टूडेंट बैठे हैं, प्लीज कम. सेक्शन ए से, ए से आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन. हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आई बेटा आपकी. नो बच्चे, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर. आप माइक हाथ में लेके बोलिए जरा. हाँ जी आप बोलिए. सर 2 को 5 टू को फाइव से, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हमें टू को फाइव से डिवाइड करना है? प्लीज रेज योर हैंड. को लगता है टू को डिवाइड करना है फाइव से, ठीक है जी? और किसको लगता है बेटा फाइव को डिवाइड करना है टू से? प्लीज रेज योर हैंड. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फाइव को डिवाइड करना है टू से? ऐसे कौन से बच्चे हैं बेटा? सेक्शन बी, आपको आवाज नहीं आ रही है. आपने दोनों ही केसेस में अपने हैंड रेज नहीं किए बेटा. टू को डिवाइड करना है फाइव से? टू को फाइव से डिवाइड करने वाले कितने लोग हैं? अच्छा अब बताइए मुझे, जो फाइव को टू से डिवाइड करने वाले कितने हैं? ओ वाह, वेरी गुड, दोनों मिक्स हैं जी. प्लीज सिट डाउन बेटा. चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें टू को डिवाइड करना है फाइव से. And some are saying divide 5 by 2. Okay, very good. एक पॉइंट तो ये हो गया. Now if we divide by log division method, हम बच्चे एक सिंबल बनाते हैं ये वाला डिवीजन वाला, राइट? मुझे एक चीज बताइए, जब आप 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे कौन सी डिजिट आएगी? 2 आएगी 5 आएगी? यहां पे 5 आएगी. हाँ जी, 2 डिवाइड बाय 5, यहां पे 5 आएगी, 2 आएगा बच्चे. टोटल कंफ्यूजन है ना, टोटल कंफ्यूजन. ओ माय गुडनेस. ओके चलिए बेटा, देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझिए, दिस इज रॉन्ग, ये वाली चीज करेक्ट है, राइट? अब यहां पे बच्चे When you are dividing 2/5, सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक न्यूमरेटर. और इसको क्या बोलते हैं? अब आपको याद कैसे रखना? डिनोमिनेटर. आपको याद कैसे रखना है बच्चे? जो ये लॉन्ग डिवीजन का साइन है बच्चे, इसके अंदर आपको रखना है न्यूमरेटर. क्या रखना है? और बाहर रखना है है.
ठीक है, ये अगर आपको समझ आ गई चीज तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया बेटा? देखिए, हमेशा हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से। किसको डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड। हाँ जी, कोई डाउट बेटा, कोई क्वेश्चन? वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, राइट? समझ में आया बच्चों? अच्छा चलो, अब एक काम कीजिए, अब इसका डेसिमल निकाल के बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी, डन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेक्शन बी क्या बात बच्चे, आप लोग बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो क्लास में, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं। नीदर यू आर रेजिंग योर हैंड्स। बेटा मुझे ना एक बच्चा नजर आ रहा है 6B में। 6B सबसे लास्ट में बच्चा बैठा हुआ है ना, सबसे लास्ट बेंच पे कॉर्नर वाला बच्चा जो है, वो आ जाए आगे, जो इधर उधर देख रहा है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ बेटा, आपको ही बुला रहा हूं मैं। आ जाओ प्लीज, कम फास्ट। हाँ जी बोलिए बेटा, ठीक प्लीज बच्चे एक्सप्लेन इट। हाँ जी बोलिए आप। सिक्स हाँ जी, क्या आया 6 बेटा? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने? इधर आ जाओ, पहले तो कैमरे में की तरफ आओ, उस तरफ लुक टुवार्ड्स मी। हाँ जी, 6 क्या आया बेटा? क्वेश्चन क्वेश्चन सर क्वेश्चन 6 आ गया बेटा, यस आपने 2 को 5 से डिवाइड किया है, राइट? 6 कैसे आया बेटा, मेरे को ये बताएंगे आप? 6 कैसे आया बच्चों, किस तरह से आया 6 आपको? बेटा प्लीज गो, प्लीज यू कैन गो बैक बेटा, आप जाइए अपनी सीट पे बेटा। थैंक यू। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो द लॉन्ग डिविजन मैथड बच्चे? प्लीज देखिए, कोई शर्म नहीं करनी, जिनको नहीं आता प्लीज रेज योर हैंड। आप गलत करेंगे उससे अच्छा है कि यू एक्सेप्ट इट कि मुझे नहीं आता। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो हाउ टू डिवाइड बाय लॉन्ग डिविजन मैथड? सबको नहीं आता है बच्चे, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो कब रॉन्ग करते हो। देखिए बेटा, वेन यू आर डिवाइडिंग दिस 2 बाय 5, कैसे डिवाइड करते हैं बच्चे? 2 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है बेटा? कैन यू डिवाइड 2 बाय 5? नो। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया 0 से, तो यहां पे आ गया 5 × 0, 0, तो देर इज 2। उसके बाद आपने यहां डेसिमल लगाया और एक जीरो लगाई, सेम डेसिमल यहां पे आया। यू नीड टू कैरी दिस डेसिमल 0 here, is this clear? यहां तक किसी बच्चे को कोई चीज नहीं क्लियर है, प्लीज टेल मी। आफ्टर दैट 5 के टेबल में 20 आता है बेटा, कहां पे आता है? तो 5 4 20 तो यहां पे आ गया 0, तो इसका डेसिमल क्या आ गया बेटा?0 0
ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज वी आर डिवाइडिंग 3 by 7, राइट? तो अब यहां पे हमें क्या करना है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर विल बी इनसाइड द डिवीजन साइन, इज दिस क्लियर? अगेन 7 is greater than 3, तो आप क्या करेंगे, अगेन 7 0s are 0, सो यू हैव गॉट 3। तो आपने डेसिमल लगाया, यहां पे भी यू हैव टेकन ए 0, कैरी दिस 0 डाउन। इज दिस क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट बच्चों? नाउ 7 के टेबल में 30, 7 1s are 7, 7 2s are 7, 3s are 7, 4s are 7, 5s are 35। 35 तो ग्रेटर है ना 30 से बेटा, सो वेयर वी हैव टू डिवाइड, 4s are, यस, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, हाउ मच, 2। अगेन वे टेक 1 more 0, आप डेसिमल के बाद यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ 0, दैट डजंट मेक ए डिफरेंस। आफ्टर डेसिमल इफ यू पुट वेदर 1 0 2 0 3 0 5 0, इट हार्डली मैटर्स। सो देन इज 20। अब हाउ विल 20 बी डिवाइडेड, 7 1s are 7, 2s are 40, 7 3s are 21, 21 आएगा। ये यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, क्वेश्चन में 2 आ जाएगा बच्चों। तो दिस वे इट कैन कंटिन्यू, वेदर यू हैव टू फाइंड अप टू 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal, यू कैन कंटिन्यू दिस डिविजन। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं, प्लीज सॉल्व दैट। नाउ इट इज 7/3, प्लीज डू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चे, प्लीज डू फास्ट। चलो आगे हो गया जी, कितने बच्चों ने कर लिया ये? वेरी गुड। चलिए मैं किसी बच्चे को बुला लेता हूँ। हाँ जी, करण जोत सिंह, सेक्शन ए से। करण जोत प्लीज कम बेटा, अपनी नोटबुक लेके आओ यार, ऐसे कैसे पता चलेगा।
हाँ जी प्लीज टेल मी, हैव यू डन? बेटा आपने कर लिया है? नो क्या किया अभी तक आपने इतनी देर? टीचर प्लीज चेक हिज नोटबुक। He has only do one step. मतलब ओनली वन स्टेप। Yes. व्हाट द प्रॉब्लम इज फेसिंग मैम? बच्चे Know? आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, प्लीज Yes. टेल अस सो दैट वी कैन टेल यू सम सॉल्यूशन। No, put the decimal here. Which step हो गया? He is confusing. Where we put the decimal? ओके ठीक है, Let एनीथिंग me एल्स? जाऊंगी तो स्टूडेंट्स हाँ जी बच्चे, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज रेज योर हैंड। बच्चे मैं एक एक को बुलाऊंगा तो इट विल वेस्ट टाइम, प्लीज टेल मी जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है। चलिए मैं दूसरा फिर वे करता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? हाँ जी ये अपना सेक्शन ए से थर्ड बेंच पे सेंटर वाली लाइन में गर्ल्स स्टूडेंट प्लीज कम। हैव यू डन बेटा, प्लीज यस एक्सप्लेन मी हाउ यू हैव डन इट। सर बाय डिवाइडिंग हाँ वो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, आपने क्या डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया बेटा? सर 3 डिवाइडेड बाय 7 थ्री डिवाइडेड बाय सेवन, तो थ्री को बेटा आपने डिवीजन साइन के अंदर रखा है बाहर रखा? सर बाहर बाहर। बच्चे इसका मतलब थ्री डिवाइडेड बाय सेवन नहीं है, दिस 7 डिवाइडेड 3 है ठीक7 डिवाइडेड 3 है। तो अंदर आपने सेवन को रखा बेटा, सर यस बाहर थ्री को, तो उसके बाद क्या किया? सर इन 3 टेबल देयर इज नो 7 बट 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6 वेरी गुड, देन सर 7 माइनस 6 1 डेसिमल राइट, देन अभी कौन आया था बच्चा? करमजोत, करमजोत लुक हेयर, अभी आपको पता नहीं चल रहा था डेसिमल कहाँ पे, ध्यान से देखो कैसे लगाना है। नाउ दिस इज ओनली वन डिजिट, आपने सर सिक्स कर दिया बेटा इसको राइट, यस आफ्टर दैट डेसिमल इज अप्लाइड, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे एंड डेसिमल क्वेश्चन में भी लगेगा बेटा। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा डेसिमल कहाँ पे लगना है, प्लीज हैव ए लुक। जब आपने पूरा नंबर डिवाइड कर दिया, देर वॉज ओनली वन नंबर दैट इज सेवन, सेवन को डिवाइड कर दिया बच्चे, यस और नो? यस देन यू विल पुट द डेसिमल, डेसिमल इन द डिविडेंड आल्सो एंड डेसिमल इन द क्वोशेंट आल्सो। बच्चे आपको पता है इसको क्या बोलेंगे हम, व्हाट दिस नंबर इज कॉल्ड? इसको बोलते हैं डिविडेंड बच्चे डिविडेंड, दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं थ्री को यहाँ पे, डिवाइजर डिवाइजर एंड दिस इज क्वोशेंट, क्वोशेंट पता है ना सारी टर्म्स। और जो ये नीचे बच गया वन, इसको क्या बोलते हैं? सर ठीक है, सो नाउ व्हेन यू हैव रिमाइंडर वन, सो नाउ यू हैव पुट द डेसिमल हेयर, वन
देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट अ जीरो आफ्टर जीरो डेसिमल एंड यू कैरी दिस डेसिमल जीरो विद वन, सो नाउ इट बिकम्स 10 10। हाँ जी, आप क्या किया आपने बेटा? सर, 3 × 3 9 या 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 जा 9, तो उसके बाद क्या किया? 10 − 9 1 वन। उसके बाद बेटा आगे जस्ट क्या, आगे भी अगर करना है तो पुट वन मोर जीरो, कैरी दिस डाउन, राइट? तो अगेन, सो दिस विल कैरी ऑन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? टू डाउन 2.33 बच्चे, नेवर दिस से दिस 33। डेसिमल के सेट बाद जब भी नंबर आ, 3 डेसिमल के बाद जब भी नंबर आते हैं तो उसको डिजिट बाय डिजिट रीड किया जाता है बच्चे। 3 3, इट इज टू नॉट पॉइंट थ्री 33, थ्री इट इज नॉट 40, इट इज 2.40, राइट? सो सही आप है रीड लाइक दिस, प्लीज सिट डाउन बेटा। बच्चे आप लोगों को असाइनमेंट मिल गई है? हैव यू गॉट द असाइनमेंट टुडे? यस यस और नो बच्चे, यस और नो? यस, ओके। डेसिमल सिस्टम कराने से पहले बच्चे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और करा देता हूं, जो हमारा कन्वर्जन सिस्टम होता है। देखिए जैसे आप, जब ये हमारा एक कन्वर्जन सिस्टम है, हियर इट इज यूनिट वन, राइट? नाउ व्हेन यू इंक्रीज द जीरोस इट बिकम्स 10, राइट? बट जब इसको रिवर्स करते हैं, डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, सो व्हाट इट बिकम्स? 1/10। यू नो दिस सिस्टम बच्चों? 1/10, 1/100, राइट? सपोज यू हैव दिस नंबर, क्या था बच्चे? 2.33। नाउ इफ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, हाउ यू कैन डू इट? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन? बच्चे यू नो द प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। यू नो इट बच्चों, यस और नो? बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप यस या नो में आंसर कर सकते हो। डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स? यस बच्चे, देखिए जैसे अगर ये नंबर है, इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, हाउ आई विल राइट इट? 2 × 1 प्लस 3 ×, यस और नो? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इट। बिफोर दिस वन मोर स्टेप यू कैन राइट, मीन्स 2 + 0.3 प्लस, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। बेटा ये चीजें समझ आ रही हैं? आप लोगों ने कर लिया है चैप्टर या नहीं किया, पहले मुझे बताइए। हैव यू डन दिस चैप्टर और नॉट? नो अच्छा किया नहीं है तो बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? इन फ्रैक्शन देयर आर ऑल्सो कंफ्यूजिंग हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन डेसिमल चैप्टर इज नॉट स्टार्टेड एट नाउ सो मींस यू वांट, आई शैल कवर द यस रिप्रेजेंटेशन यस फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ओके यस मैम, यस दिस वे राइट। चलिए सो अभी हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, इसको बेटा डेसिमल्स पार्ट को। सो सजेशन फ्रॉम द मैम हैज कम दैट आई शैल एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, राइट? सो सबसे पहले बच्चों, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। सी, कोई बच्चा खड़ा होकर कोई फ्रैक्शन बोलिए कि उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, देन आई विल एक्सप्लेन। बोलो बेटा, कोई भी बोलो, कोई नंबर बोलो जल्दी से बोलो। सोच रहे हैं कौन बोलेगा बच्चे, बोल के फटाफट खत्म करो प्लीज। 3/5 3/5, 3/5
अच्छा टेल मी वेदर यू नो हाउ टू कन्वर्ट द नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सबको आता है बेटा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना? अच्छा राइट। सो नाउ टेल मी दिस 3/5 बच्चे ये 0 से ग्रेटर है या लेसर है? 0 से ग्रेटर है लेसर है? ग्रेटर ग्रेटर है। 1 से लेसर है ग्रेटर है? देखिए बेटा अगर आपका न्यूमरेटर, आपने फ्रैक्शन जब किए हैं हमने एक टर्म की थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, याद है? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? बच्चन टेल मी दिस इज ए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर वाले रेज कीजिए जरा हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक प्रॉपर? वो एक को देख के सबने हाथ खड़े कर लिए। इम्प्रॉपर के कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज इम्प्रॉपर? बच्चे दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज जिसका न्यूमरेटर जो होता है, इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ध्यान से समझना बच्चे, न्यूमरेटर यहीं पे लिख देता हूं, प्रॉपर मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इफ इट इज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होता है बच्चे? व्हेन डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है। सो व्हेन एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन यू शुड नो वेदर इट इज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज राइट इट राइट व्हेन एवर वी हैव टू रिप्रेजेंट। प्लीज राइट डाउन व्हेन एवर वी हैव टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, व्हेन एवर वी हैव टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट चेक वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है तो लिख लो द मेथड टू चेक प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये नोट कर लेना बेटा। व्हाट इज प्रॉपर व्हाट इज इम्प्रॉपर लिख लिए बच्चे? दिस इज क्लियर। अब लिखिए इफ द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, नेक्स्ट स्टेप लिखिए बेटा इफ द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इफ द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। राइट बच्चों इतना क्लियर है बेटा? नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नाउ सबसे पहले बच्चे हम कर रहे हैं फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन यू हैव ए प्रॉपर फ्रैक्शन, सी प्रॉपर फ्रैक्शन will always lies between 0 and 1। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन will always lies between 0 एंड 1। यहां तक किसी को डाउट? ड्रॉ द नंबर लाइन। इज इट क्लियर? ड्रॉ द नंबर लाइन। नाउ मार्क दिस पॉइंट एज 0 एंड दिस पॉइंट एज, इज दिस क्लियर? बेटा ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क 0 एंड 1 ऑन दिस नंबर लाइन। यहां तक सबको समझ आ रहा है बेटा? नाउ वी आर डूइंग फॉर विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन? नाउ प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं बेटा। ठीक है मार्क 0 एंड 1। इज दिस क्लियर? नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर? व्हाट इज 5? डिनोमिनेटर
बेटा, डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होगी, द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 को आपने उतने ही पार्ट में करना है. फॉर एग्जाम्पल, हेयर द डिनोमिनेटर इज 5. यस, तो डिवाइड दिस इनटू 5 पार्ट्स. 1, 2, 3, 4, 5. 5 पार्ट हो गए बेटा. यस और नो? 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हो गए बेटा. नाउ व्हाट इज योर फ्रैक्शन? 3/5. सो दिस, सी, सो दिस पार्ट इज 0/5, 1/5, 2/5, 3/5. जो मार्क आ गया ना 3/5, इसको डार्क कर दिया और सर्कल कर दिया. इज दिस क्लियर? एंड दैट विल बी 4/5 एंड दिस विल बी 5/5. 5/5 कितना होता है बेटा? व्हाट इज 5/5? 1. तो 1 आ गया यहां पे. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी, प्लीज रेज योर हैंड. किस किस को नहीं समझ आया? प्लीज फील फ्री, कोई हेजिटेशन नहीं बच्चों. आई कैन टेल यू 50% ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड. इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया? कोई भी स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आया, प्लीज फील फ्री. कोई नहीं डरना, ना मुझसे डरना, ना टीचर प्रेजेंट, किसी से नहीं डरना. प्लीज आस्क द क्वेश्चन, नो हेजिटेशन बच्चों. चलो, राइट. सो किस किस को समझ आ गया बेटा? सबको आ गया, राइट. सो दिस नंबर विल बी 3/5. एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर. नोट करना है आप लोगों ने, ये बना लिया? चलिए अब देखते हैं कोई एक और नंबर. जैसे सपोज मेरे पास नंबर है 2/7. नाउ इफ द नंबर इज 2/7, चेक करो पहले बेटा ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर. प्लीज डोंट टॉक, सेक्शन ए फ्रंट बेंच. हाँ जी, इज इट ए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर प्रॉपर है बेटा. तो इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. सो जस्ट ड्रॉ 0 एंड 1. व्हाट इज इट्स डिनोमिनेटर? बस डिवाइड दिस इनटू 7 पार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हो गए बच्चे 7 पार्ट्स? 7 पार्ट्स हो गए बेटा. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/7. सो दिस पार्ट विल बी 0/7, 1/7, 2/7. सो दिस पॉइंट इज 2/7. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? किसी यस को भी ना ना समझ आ रहा हो तो प्लीज आस्क बेटा, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस. चलिए अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे चलते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3. हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन टू ऑन द नंबर लाइन? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है बेटा. हाँ जी बच्चों, कितना आ गया? फाइव नहीं आएगा. आप लोगों में से मुझे आवाज आ रही है, आप लोग बोल रहे हैं 1, 2/5, यही बोल रहे थे ना? इट इज 1, 2/3. चलिए नो प्रॉब्लम. अब देखिए बच्चों, इस नंबर को ध्यान से देखना है. व्हाट इज दिस नंबर? हाँ
जो भी बचे ये नंबर होगा वन, तो आपका जो फ्रैक्शन है सी बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 बाय 3। यहां पे अगर मेरे को कोई साइन लगाना हो बच्चे, विच साइन आई कैन पुट, व्हाट विल बी द साइन हेयर टू अगेन मेक 5 बाय 3। बच्चे इसका मीनिंग होता है यहां पे प्लस साइन है, यहां पे कौन सा साइन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अगेन 5 बाय 3 आएगा। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू आर एडिंग समथिंग टू द वन, इसका मीनिंग यही हुआ ना बच्चे? तो दैट्स मीन जो आपका नंबर है वो 1 से ग्रेटर है, यस और नो? ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपका ये फ्रैक्शन है, दिस लाइज बिटवीन 1 और 1 का जो नेक्स्ट आपका इंटीजर है वो कौन सा है, तो दिस नंबर विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। दिस नंबर विल लाई बिटवीन 1 एंड, और तो कोई डाउट? अब आपको करना क्या है बेटा, व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? तो इस पार्ट को क्या करेंगे आप, 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया 1 और 2 के बीच में, इज दिस क्लियर? तो बेटा ये वाला पार्ट क्या हो गया, देखिए डिनोमिनेटर इज 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 बाय 3, 4 बाय 3, 5 बाय 3, राइट? सो दिस नंबर विल बी 5 बाय 3। इज दिस क्लियर? एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों प्लीज आस्क द क्वेश्चन, एनीथिंग नॉट क्लियर बेटा? सी देखिए, जो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहे हो, व्हेन वी आर नॉट पुटिंग द साइन, दैट्स मीन अ प्लस साइन, प्लस साइन मीन्स यू आर एडिंग समथिंग टू द वन, दैट्स मीन द नंबर 5 बाय 3 विल बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, सो दैट मीन द नंबर विल लाई बिटवीन 1 एंड 2, सो वी विल डिवाइड द नंबर लाइन इन 1 एंड 2 एंड डिवाइड द रीजन बिटवीन 1 एंड 2 इंटू द 3 पार्ट्स। इज दिस क्लियर? सो दिस नंबर इज 1, 1 मीन्स 3 बाय 3, 4 बाय 3 एंड 5 बाय 3, एंड दिस विल बी 6 बाय 3, एंड 6 बाय 3 इज इक्वल टू 2, यस और नो बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? चलिए एक नंबर देता हूं बच्चे मैं आपको, नाउ रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन 7 बाय 4, एंड टीचर प्रेजेंट माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चेक ईच एंड एवरी वन नोटबुक आफ्टर दे ड्रॉ इट। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इन टू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन करने के बाद क्या आया बेटा आपका, थ्री 1 3
3/4। ठीक चलिए आगे कीजिए बेटा। हाँ जी बच्चों हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? 1 2 3 4। अच्छा सेक्शन बी से किया कुछ बच्चों ने। सी आल्सो। सेक्शन ए प्लीज डू इट फास्ट बच्चों। राइट बच्चों बेटा हैंड नीचे कर लीजिए जिन्होंने कर लिया है। टीचर प्लीज चेक देयर नोटबुक्स। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स प्लीज लुक इनटू टीचर इन सेक्शन बी एंड सी। यू आर प्लीज रिक्वेस्टेड टू चेक द नोटबुक्स वेदर दे हैव डन इट राइट और नॉट। हाँ जी अरमान चौधरी इन सेक्शन बी। हु इज अरमान चौधरी? आ जा बेटा। हाँ Yes. जी बेटा हैव यू डन इट? प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट यू हैव डन। बेटा इसको हाथ में उठाइए माइक को ना जरा। अब बोलिए या व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? 7/4 राइट। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव डन? सर इन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन अब या टेल मी व्हाट इज इन मिक्स फ्रैक्शन? सर 1/4/3 4/3 ऐसे आया बेटा। सर 3/4 थ्री ओवर फोर उसके बाद इन टू नंबर लाइन या नंबर लाइन। व्हाट यू हैव डन इन नंबर लाइन? सर 1 एंड 2 फर्स्टली सर 1 and 2 राइट। देन 4 सर देन 4 पार्ट्स 4 parts में डिवाइड कर दिया बच्चों। देन सर देन फर्स्ट 3 4/3 सर फर्स्ट 4/3। नो फर्स्ट सर 4/3 4/3 होगा 4/4 होगा ऐसे नहीं बनेगा बेटा। सर नहीं बनेगा ऐसे ही। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो देन इट इज रॉन्ग। वन सर डन राइट सर वन विल बी बेटा 4/4। जो वन यस दैट इज 4/4। नेक्स्ट विल बी 5/4। नेक्स्ट विल बी 6/4। एंड देन द दिस नंबर विल बी योर 7/4। इज दिस क्लियर? प्लीज यस सिट डाउन बेटा। राइट नाउ स्टूडेंट्स जस्ट हैव अ लुक एट अनदर नंबर। लेट्स से वी हैव 17/2। हाउ विल रिप्रेजेंट दिस? प्लीज डू इट। प्लीज डू 17/2। Excuse me, sir. यस
सर हाउ कैन वी सी दैट इट इज ग्रेटर 17 इज ग्रेटर, नंबर? 17 इज ग्रेटर देन 2। यस बच्चे इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू, मिक्स फ्रैक्शन नाउ व्हाट विल बी देयर इन द मिक्स फ्रैक्शन, टेल मी व्हेन यू विल कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन व्हाट इट बिकम्स। सर इनटू फ्रैक्शन टेल मी बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट इट बिकम्स 17 बाय 2 व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, वोंट इट बिकम्स 8 1 बाय, अपॉन टू राइट? सो व्हाट डज दिस मीन, कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 9। सो नाउ ऑन नंबर लाइन यू विल ड्रॉ 8 एंड 9। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके सर नाउ डिनोमिनेटर इज 2, सो डिवाइड दिस इंटू 2 पार्ट्स, सो दिस विल बी 16 बाय 2, दिस विल बी, इनवाइट सो दिस विल बी द नंबर टू बी प्रेजेंटेड। समझ में आया बच्चों? जो ये वाला इंटीजर होगा ना, दिस वन और इससे नेक्स्ट वन के बीच में लाई करेगा नंबर, राइट? हमेशा वन और टू नहीं बनाना है। जो नंबर है ना बेटा, मिक्स फ्रैक्शन का जो होल नंबर है, दैट नंबर एंड सक्सेसर ऑफ दैट नंबर, 8 एंड 8 का सक्सेसर 9, सो दैट्स मीन इट विल लाई बिटवीन 8 एंड 9। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस तो बच्चों आज हम यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स टीचर, एंड माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू फॉर दिवाली। इंजॉय योर दिवाली, हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टीचर। नाउ इट विल बी योर साइंस क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेव योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल। वेरी नाइस। तो इतने सारे स्वीट स्वीट स्टूडेंट्स मेरे सामने, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट अनदर चांस टू इंप्रूव अवर नॉलेज। ठीक है, तो लाइट का आपने छोटा सा पोर्शन करा था और उसको कंटिन्यूड करेंगे हम बेटे। बहुत सारी बातें हैं हमारे सिलेबस में, तो सभी बच्चे इंटरएक्टिव रहेंगे। मेरे पढ़ाने का एक कोड होता है, या सभी बच्चे अटेंशन, अगर आपको चीज समझ आ गया टीचर का, मैं बीच बीच में पूछूंगा, देन यू विल रेज योर राइट हैंड। आप अपना राइट हैंड खड़ा करो। सपोज करो कोई बच्चा लास्ट में बैठा है, उसको कोई चीज नहीं पता लगती, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, वो बच्चा लेफ्ट हैंड खड़ा करे, ऐसे वेव कर दे।
अगर अंडरस्टूड है तो राइट है, क्योंकि किसी बच्चे का अगर लेफ्ट हैंड खड़ा होगा मेरे को आसानी से दिख जाएगा और टीचर उस पॉइंट को और बेटर क्लैरिटी से बता पाएगा। शाबाश, ये कोड सभी बच्चों ने याद रखा। समझ आ गया तो कौन सा राइट हैंड, ना समझ आया तो कौन सा लेफ्ट हैंड। शाबाश, इससे हमारा टू वे कम्युनिकेशन बन जाएगा, बहुत अच्छा। राइट बेटे, इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव स्टडीड अबाउट दिस वर्ड। सबसे पहले बच्चे हेडिंग लिखो, लाइट कंटिन्यूड। सभी बच्चे डेट डालेंगे। बेटे, बिफोर मी यू हैव स्टडीड अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड। इज देयर एनी डेयरिंग स्टूडेंट इन एनी क्लास Who can tell me what is meant by this? Any daring student, please come on the mic. No need to raise your hand. Please come on the mic directly and start speaking. Shabash, shabash. Sir, it is a type of motion. Pardon once again. हाँ, कौन सी टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर या जिगजैग, कौन सा? Sir, linear. Sir, that travels in a line. लाइन, ऐसे वाली लाइन। Sir, no. Sir, straight. हाँ बेटी, पूरा बोलना होता है। शाबाश, डाउन। इस बच्चे ने मेरे को 3 बार बोला कि सर ये मोशन है। मोशन में तो फिजिकल चीज कोई मूव करती है, हम पढ़ रहे हैं लाइट का। लाइट के लिए हम बोलते होते हैं आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट के पैरलर वर्ड होता है प्रोपेगेशन। रेक्टिलीनियर, लीनियर वर्ड देखो बच्चे, लीनियर लीनियर वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में आपको जाना पड़ेगा। राइट, शाबाश। तो सभी बच्चे अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर। शाबाश, पहले मैं समझा दूं, किसी रे ऑफ लाइट का, ध्यान से सुनना, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने जैसे ही स्विच ऑन करा सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ऐसे जा रहा, स्ट्रेट लाइट, कहीं भी मुड़ता नहीं। हाँ, रास्ते में कोई मिरर आ जाए तो मुड़ जाएगा रिफ्लेक्शन से, अपने आप कभी नहीं मुड़ेगा। लाइट की इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। लिखो, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, टू प्रोपेगेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट इट्स ओन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। आई एम जस्ट कमिंग बेटे। Yes. So have you noted down? Okay. So you understood what is rectilinear propagation of light? Yes. So moving on straight line. Seedha jana.
दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ लाइट, टॉर्च लाइट. ओके, इट्स गोइंग स्ट्रेट. कैन यू सी लाइट इज गोइंग स्ट्रेट ऑन द बोर्ड? कैन यू सी? यस. यस. सो दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इवन आई कैन शो यू वन मोर टाइम हियर विद अ क्लियर एग्जाम्पल. कैन यू सी दिस रॉड? यस. कैन यू सी द लाइट हेयर? यस. वाई यू आर एबल टू सी दिस लाइट? बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. मीन्स लाइट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट वे. ठीक है, सीधा जा रही है लाइट, इसलिए आपको जो इसका ये एंड दिख रहा है. अब मैं इसको बेंड कर दूं, सो डू यू थिंक यू आर एबल टू सी दिस? नो. लेट्स चेक इट आउट. ठीक है, इसको चेक करते हैं. नाउ ये बेंड हो गया है. सी, लाइट इज स्टिल वर्किंग. आर यू एबल टू सी इट? नो. सो दिस इज कंफर्मिंग दैट लाइट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, देखो सीधा कर दिया फिर से. यू कैन सी इट नाउ. अगेन आई एम बेंडिंग इट, यू कांट सी इट. सो दैट इज यू नो कंफर्मिंग अस द नेचर ऑफ लाइट, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Yes. यस, दैट्स रियली गुड स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स वेट फॉर द सर. ओके, ही विल कॉन्टिन्यू फर्दर विद दिस. ठीक है, सो यू हैव असाइनमेंट्स विद यू? यू ऑल हैव असाइनमेंट्स विद यू? ओके, दैट्स फाइन. So even the first question is saying this only, बेटा. इनको मैंने टॉर्च से रेक्टिलिनियर का एक्सपेरिमेंट करके अच्छा, दिखा दिया, बेंड गुड कर दिया. जॉब. सो बेटे, आपने अभी अभी देखी है एक एक्टिविटी. तो टॉर्च से मैम ने आपको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन समझाया. एक और देखते हैं, कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जहां से रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रूव होती है. ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, तीन कार्डबोर्ड ले लिए, एग्जैक्टली सेम साइज के तीन कार्डबोर्ड, एग्जैक्टली सेम साइज के बेटे हैं, और उनके बराबर जमीन से बराबर की हाइट पर होल कर दिए, तीनों होल एक सीध में, और इनको टेबल के ऊपर स्टैंड कर दिया. राइट, अब यहां पर मैंने कैंडल जगाया होल के सामने. कैंडल का फ्लेम इस होल से अपनी लाइट फेंकेगा, दूसरे होल में से निकलेगी लाइट और तीसरे होल में से लाइट जाएगी, और यहां पर जो पर्सन खड़ा है उसको ये कैंडल का लाइट दिखेगा. लेकिन तभी दिख पाएगा अगर ये तीनों होल एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में हो. मान लो मैंने कार्ड नंबर टू को थोड़ा बहुत इधर स्लिप कर दिया, या इनवर्ड स्लिप कर दिया, या अपवर्ड स्लिप कर दिया, तो लाइट की स्ट्रेट लाइन की प्रोपेगेशन की वजह से उसमें अटक आ गया, क्योंकि गत्ता निकलने नहीं देगा, साइडों से ब्लॉक है, कार्डबोर्ड है. अब इस पर्सन को कैंडल नहीं दिखेगी. इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगा कि अगर लाइट को स्ट्रेट पाथ मिले तभी वो जा पाती है, नहीं तो ब्लॉक हो जाती है. सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स एक्सपेरिमेंटली व्हाट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया तो वेव योर राइट हैंड, शाबाश. अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, गुड जॉब. किसी भी एक कार्ड को, चाहे कार्ड नंबर वन, चाहे कार्ड नंबर थ्री या टू, किसी को भी हिलाने से ये तीनों होल आपस में स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे, तब इस पर्सन को कैंडल नहीं दिखाई देगी. तो कैंडल से आने वाली रे ऑफ लाइट तभी दिख पाती है जब होल नंबर वन, होल नंबर टू, होल नंबर थ्री, तीनों कार्ड्स के होल एग्जैक्टली सेम स्ट्रेट लाइन में रहे. क्लियर हुआ बच्चे? शाबाश. अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे. शाबाश, लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स
ऑप्टिकली टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑप्टिकली, देखो बेटे ध्यान से सुनो, सपोज करो मैं आपसे पूछ लेता बेटे टाइप्स ऑफ मटेरियल बताओ फिजिकली, तो आप कैसे बताते? सर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ऐसे गैस होता है, और भी होते हैं, ऐसे ऐसे आप बताते फिजिकली। सपोज करो मैं आपसे पूछता टाइप्स ऑफ मटेरियल बताओ केमिकली, तो आप बोलते सर कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, एलिमेंट होता है, ऐसे ऐसे बताते आप, मेटल्स होते हैं। सपोज करो मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑप्टिकली, तो ऑप्टिकली का मतलब है लाइट की पासेज के हिसाब से किसी मटेरियल में लाइट सक्सेसफुली पास हो पाएगी कि नहीं, उसके हिसाब से मैं मटेरियल्स को किन कैटेगरीज में बांट सकता हूं। लिखो, देयर आर थ्री कैटेगरीज, देयर आर थ्री कैटेगरीज, और उस कैटेगरीज का मेमोरी टूल क्या है? OTT, ओ स्टैंड्स फॉर ओपेक, सभी बच्चे लिखेंगे ओपेक, OPAQUE। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, अनदर टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। शाबाश, अब हम इसको समझते हैं और फिर लिखेंगे। स्टॉप राइटिंग थोड़ी देर के लिए, सभी बच्चे टीचर की तरफ देखेंगे, ध्यान से सुनना बेटे, योर अटेंशन। सपोज मैं यहां पर एक ब्रिक रख लूं, ब्रिक, ईंट, और ईंट के इस तरफ मैं टॉर्च जगा दूं, टॉर्च, तो यहां पर इसके आर पार लाइट नहीं जा पाएगी। ऐसी कौन सी एग्जांपल हो सकती है बुक के बिना? वुड। और कौन सी एग्जांपल हो सकती है? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड शाबाश, ऐसे सारे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट ना जा सके ओपेक होते हैं। दूसरा, मान लो मैंने यहां पर बर्फ रख दिया, बिल्कुल बर्फ का शीट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बर्फ जमी हुई है, या मैंने क्या कर दिया कांच का शीट रख दिया, ठीक है, और मैंने यहां पर लाइट ऑन करा टॉर्च से, तो लाइट यहां से पास हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, यहां तक लाइट पहुंच जाएगा, यस पहुंच जाएगा। तो जिन मटेरियल्स में लाइट बहुत ज्यादा एफिशिएंटली पूरी निपुणता से निकल सके, अच्छी निपुणता से, उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, करेक्ट। अब आ गया ये बेटे ट्रांसलूसेंट, मान लो शवश आपके पास है टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर आपने जरूर देखा होगा, जब मम्मा आपका टिफिन पैक करके देते हैं तो साथ में टिश्यू पेपर रखते हैं कि मेरा बच्चा उससे हाथ साफ करेगा, ठीक है, और आप इसको नैपकिन भी बोल देते हो व्हाइट कलर में, या फिर आप एक नॉर्मल कागज का पतला शीट ले लो और उसको मस्टर्ड ऑयल में डिप कर दो, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल और क्या पेपर, इसको मस्टर्ड ऑयल में डिप करके बाहर निकाल लो। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला तो यहां पर मैंने टॉर्च ऑन करा, तो व्हाट आई सी, इस तरफ लाइट जाती तो है पर इतना ज्यादा एफिशिएंटली नहीं जाती, थोड़ी बहुत जाती है, थोड़ी बहुत। तो जब पार्शियल पोर्शन, जब पार्ट ऑफ द लाइट किसी पे का किसी मटेरियल में से पास ऑन करे, पार्ट ऑफ द लाइट, नॉट होली, नॉट वेरी एफिशिएंटली बट पुअरली, तब ऐसे मटेरियल को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। कभी कभी हम ऐसा ग्लासेस भी लगाते हैं घरों में विंडोज के ऊपर, इन ग्लासेस को लगाने से क्या होता है, ग्लेज्ड ग्लासेस बोलते हैं इनको, इस तरफ कोई पर्सन खड़ा है, ये तो हमें झलक दिखती है कि कोई पर्सन है, हिल रहा है,
लेकिन कौन खड़ा है ये नहीं पता लगता, पहचान नहीं पाते। तो ग्लेज्ड ग्लासेस हैं या फिर पेपर को मस्टर्ड ऑयल में डिप करके फिर एक्सपेरिमेंट करा, ये कौन से मटेरियल होते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल, जिनमें से थ्रो करी हुई लाइट का कुछ पोर्शन ही जा पाता है, 30%, 40%, 20% ऐसे जा पाता है। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब हमें इनके बारे में एक एक लाइन लिख लेंगे, पर लिखने से पहले मेरे को कंफर्म करो वी आर वेविंग योर राइट हैंड वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। शाबाश, इफ यस वेव योर राइट हैंड, इफ यस, लेफ्ट तो नहीं है किसी का, नहीं लिखो फिर। शाबाश, एन ओपेक मीडियम, हरी अप, एन ओपेक मीडियम इज दैट मीडियम, एन ओपेक मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट रे कैन नॉट पास, थ्रू विच लाइट रे कैन नॉट पास, फुल स्टॉप। सच ए मटेरियल ब्लॉक्स द लाइट कंप्लीटली, सच ए मटेरियल ब्लॉक्स द लाइट कंप्लीटली। इसका एग्जाम्पल लिख दो। शाबाश शाबाश, कार्डबोर्ड, ब्रिक, वुड। शाबाश, कौन सा एग्जाम्पल बताया टीचर ने? कार्डबोर्ड, ब्रिक, वुड। सेकेंड पॉइंट, शाबाश, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू वेरी वेरी एफिशिएंटली, कैन पास थ्रू वेरी वेरी एफिशिएंटली। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? ग्लास, वाटर या फिर कंप्लीटली फ्रोजन ब्लॉक ऑफ आइस। ग्लास, वाटर या फिर कंप्लीटली फ्रोजन, मैंने होता है अच्छी तरह से जमी हुई, फ्रोजन ब्लॉक ऑफ आइस। एक देखो बेटे, तीसरा लिखो, अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल, स्पेलिंग देख लो, ए ट्रांसलूसेंट मटेरियल इज दैट मटेरियल थ्रू विच इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, थ्रू विच इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू, कैन पास थ्रू पार्टली, PARTLY, कैन पास थ्रू पार्टली, PARTLY। एग्जाम्पल लिखो इसकी। शाबाश, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? टिश्यू पेपर। और क्या लिखोगे बेटे? ये देखो टीचर लिख रहा, ग्लेज्ड ग्लास, ग्लेज्ड विंडो ग्लास, ग्लेज्ड विंडो ग्लास। और क्या लिखोगे? शाबाश, मस्ट, पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल, पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल। सर।
अब ना मैं तीन चार एग्जाम्पल बोलूंगा, आपने एकदम से बोलना है सर ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। शाबाश कंपटीशन, जो सबसे पहले बताएगा तब मजा आएगा। क्लियर रेडी? चलो फर्स्ट नोटबुक। ओके ये सेक्शन ए विनर हुआ, सेक्शन ए विनर, शाबाश। वाटर सेक्शन बी विनर हुआ, सेक्शन बी विनर, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। व्हाइट प्लास्टिक, ए सेक्शन विनर हुआ, ए सेक्शन। व्हाइट प्लास्टिक जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओगे कारपेट। ओपेक। अब आया एट्थ, अब ये कौन जीत गया, सिक्स्थ सी, सिक्स्थ सी जीत गया बेटे आज इस बार। अब देखते हैं फाइनल क्वेश्चन में कौन जीतता है, फाइनल क्वेश्चन में ध्यान से। मुश्किल है इस बार, मुश्किल है, ध्यान से देखो। कौन बच्चा बताएगा ये मटेरियल ओटीटी में से कौन सा है, अगर मटेरियल का नाम है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में सिक्स्थ सी जीत गया। ग्लिसरीन जो होता है ना एक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लिख लो सारे बच्चे, ग्लिसरीन इज ए ट्रांसपेरेंट। सिक्स्थ सी विनर हुआ, शाबाश शाबाश। कंपटीशन हार्ड था वैसे, कोई बात नहीं, और फिर से देखते हैं करवा के। हाँ ओके ओके ओके। अब हम एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे बेटे, उसका नाम है शेडो। लिखो नो लुक शेडो। सभी बच्चे ध्यान से लिख लिए। एक्सक्यूज यस मी सर, सर yes? काइंडली ट्राई टू बाइंड अप टू 10. ओके सर एक्चुअली देर इज अ स्पेशल असेंबली ऑन दिवाली ओकेजन, दैट्स व्हाई. राइट मैम, राइट। तो ओके बेटे वी हैव ओनली लास्ट 5-6 मिनट्स, शाबाश। ध्यान से समझ लो लेक्चर फटाफट। देखो बेटे योर अटेंशन, यहां पर मैंने एक एस लगा दिया। एस स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट इट। अब इस सोर्स ऑफ लाइट के सामने मैंने एक पर्सन खड़ा कर दिया ऐसे, उस पर्सन ने अपने हाथ ऐसे खोल रखे हैं लाइक दिस, ओके। और इस पर्सन के ऊपर जब रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो जमीन के ऊपर इसका शैडो दिखाई देगा। शैडो दैट मीन ड्रा द शेडो बाय सम अदर कलर। ओके ओके ये देखो बेटे, जब स्ट्रेट लाइट आती है तो इस पर्सन का शेडो नीचे पड़ता है। ये शेडो वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये वो पोर्शन होता है जहां जमीन के ऊपर लाइट पहुंची ही नहीं, इस ह्यूमन बॉडी ने उसको ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि लाइट की खूबी है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी चेस्ट के अंदर से कैसे लाइट जाएगी, बिकॉज माई चेस्ट इज एन ओपेक मटेरियल। मैं इसको रोक लूंगा तो मेरी चेस्ट की बैक साइड पर कुछ जगह है, वहां पर सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। तो शेडो क्या होती है, बेसिकली वो पोर्शन होता है जिस पोर्शन के ऊपर लाइट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है, रुकावट आ जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये तब पॉसिबल होता है अगर कमरे में लाइटें कम होती हैं। मेरे कमरे में कुछ ज्यादा ही लाइटें हैं, स्टूडियो बना रखा है ना, फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये देखो ये मेरे पास हो गया स्क्रीन,
हाँ थोड़ी लाइट कम कर दी मैंने, देखो ये देखो बेटे स्क्रीन दिख रहा है, इसके सामने मेरे पास ये टॉय है। अब मैं लाइट भी थ्रो करूंगा, तो लाइट थ्रो करूंगा तो इसका शेडो पड़ेगा, देखो हैव यू सीन। अब इसका हाथ हम चेंज कर देते हैं ह्यूमन टॉय के, ह्यूमन टॉय के ऊपर कर देते हैं, हाँ देखो शेडो का चेंज हो जाएगा स्टाइल, हैव यू सीन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी ने, ह्यूमन टॉय ने क्या करा, लाइट के रास्ते में ब्लॉक आ गया, ब्लॉक कर दिया लाइट को, लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, जिस जगह पर लाइट नहीं पहुंच पाती वहां कागज के ऊपर क्या बन गया, शेडो। फिर से इसका पोज एक बार चेंज करके देखते हैं, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, इसका मजा कर रहा, देखो अब ये देखो फुटबॉल की किक में आ गया ना, यस। इसको रोटेट करने से इसकी शेडो भी चेंज हो रहा है, स्टाइल मार रहा है, देखो कितना जबरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे डांस मूव्स बना रहा हूं, डाउन डाउन। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को क्या देखा, लिखो सारे बच्चे शेडो की डेफिनेशन, अ शेडो इज दैट पोर्शन, शेडो इज दैट पोर्शन, वेयर वेयर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट डज नॉट रीच, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट डज नॉट रीच, ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के स्पेलिंग, सम ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ रेज ऑफ लाइट, सम ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ रेज ऑफ लाइट। और ये सारे बच्चे ये वाला फिगर बना लो, येलो कलर वाला शेडो, ब्लू कलर वाला ऑब्स्टिकल, और एस का मतलब है बेटे सोर्स ऑफ लाइट। डन, शाबाश शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, कोई बच्चा बता सकता है इस शैडो को मैंने अगर बड़ा करना हो तो क्या करूं? सिक्स्थ ए और सिक्स्थ बी ने बराबर में बता दिया, ड्रा हो गया मैच, सिक्स्थ बी नहीं बता सकी। तो बेटे देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, इसको हम ऑब्स्टेकल के नजदीक ले जाएंगे, जितना हम सोर्स ऑफ लाइट को ऑब्स्टेकल के नजदीक ले जाएंगे, ये वाला गैप कम कर देंगे, तो शेडो बड़े साइज का हो जाएगा। लिखो, टू इंक्रीज दी शेडो साइज, टू इंक्रीज दी शेडो साइज, करेगा शाबाश, ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, टू इंक्रीज द शेडो साइज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट कॉमा तो कॉमा रिड्यूस द गैप बिटवीन, रिड्यूस दी, रिड्यूस मैंने कम करना, या डिक्रीज लिख दो, रिड्यूस द गैप बिटवीन, गैप मैंने डिस्टेंस, गैप बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्स्टिकल, सोर्स ऑफ लाइट एंड इट्स ऑब्स्टिकल, लिख दिया है टीचर ने बोर्ड पे, सोर्स ऑफ लाइट एंड इट्स ऑब्स्टिकल। डन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आपको पूछे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं शेडो के लिए, नंबर वन सोर्स ऑफ लाइट, नंबर टू ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, और नंबर थ्री क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, जैसे एक्सपेरिमेंट टीचर ने व्हाइट कलर का स्क्रीन पकड़ा था अभी एक्टिविटी में। तो लिखो, फॉर ऑब्टेनिंग एंड शेडो वी रिक्वायर, लास्ट पॉइंट आज का, फॉर ऑब्टेनिंग अ शेडो वी रिक्वायर थ्री थिंग्स, रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं इनको, फॉर ऑब्टेनिंग अ शेडो वी,
वी नीड थ्री रिक्वायरमेंट्स. नंबर वन, सोर्स ऑफ लाइट, शाबाश हरिया. नंबर टू, ऑब्जेक्ट एज ऑब्स्टिकल इन द रेज ऑफ लाइट. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज ऑब्स्टिकल इन दी पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट. और लास्ट पॉइंट, शाबाश, स्क्रीन स्क्रीन टू ऑब्टेन शेडो, स्क्रीन टू ऑब्टेन शेडो. ये तीन पॉइंट टीचर ने लिख दिए हैं. ये शेडो देखो, ये येलो लाइन से इधर इधर लिखे हुए हैं. आज का लेक्चर हम टीचर की स्पेशल सजेशन से, आपकी स्पेशल असेंबली है बेटे, वाइंड अप करेंगे. अब सबसे पहले मेरे को जाने से पहले ये बता दो, अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया तो आपने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, दोनों हाथ वेव करके दिखाना, ऐसे दोनों हाथ. वाह 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 वाह, कमाल हो गया. तो बारिश होगी, बारिश होगी. थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं स्वीट स्टूडेंट्स. हैप्पी दिवाली, है ना? वेरी नाइस. जाओ, स्पेशल असेंबली आज, मजे करो. देखते हैं प्रिंसिपल मैम क्या कहते हैं आपको.